गोरखपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे टर्म में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने अलग अलग केंद्रों पर वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें, शुक्रवार को जिले में के 41 केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत हुई। इनमें 9 अर्बन हेल्थ पोस्ट के अलावा जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखनाथ अस्पताल के साथ ही सीएचसी पीएचसी शामिल रहे। प्रत्येक केंद्र पर 100-100 लोगों को वैक्सीन के लिए बुलाया गया था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, महिला अस्पताल और गोरखनाथ अस्पताल में कई बूथ बने थे। शुक्रवार को वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों में खासा उत्साह रहा। कर्मचारियों ने की झिझक मिटाने के लिए विभाग के आला अधिकारी भी आगे आए। बीआरडी प्राचार्य व सीएमओ के अलावा एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ए.के. चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय प्रधान सहायक इंद्रदेव सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा और सूचना अधिकारी सीएमओ कार्यालय के.एन. बर्नवाल, आईएमए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमरीश सिंह और डॉक्टर मनीष चौरसिया ने भी वैक्सीन लगवाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया। चारों मेल कितने फेरी के और खाना खा रहे हैं एक तीनों को खाली कर लीजिए सभी जानकारी मैं लगवाने को तैयार हूँ। और एक मोबाइल और 2 गज की दूरी में ये सब की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना।
आपने अल्लाह देता है हमारे यहाँ हमारे वहाँ अपने मेरा सुनील दत्त चौधरी है, मैं सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठता हूँ। ये पूरी तरह सुरक्षित है और इसे कोई घबराहट नहीं हो रही है और भारत सरकार द्वारा लगाया गया बहुत अच्छा टीका है, ये महामारी से हम लोगों को बचाएगा जो महामारी, और इसे सभी जनमानस को लगाना चाहिए। कौन सा टीका लगा? ये कोविड का टीका लगा है, जो कोविड हो रहा है कोरोना वायरस सबको, उसके लिए ये टीका लगाया गया है। ये पूरी तरह सुरक्षित है, इसे घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। इस दौरान आपको कुछ नहीं कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मुझे, और कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है, सब कुछ अच्छा है और बिल्कुल भी नहीं है रिएक्शन भी नहीं है किसी प्रकार का। स्टाफ के द्वारा आपको कुछ सुझाव भी दिए गए हैं? हाँ, स्टाफ के द्वारा सुझाव दिए गए थे, पहले पूछा गया था कि अब खाना वाना खा के आए हैं कि नहीं और कोई एलर्जी वगैरह तो आपको नहीं है, ये सब पूछा गया है और काफ़ी सपोर्ट किए हैं स्टाफ, काफ़ी अच्छे स्टाफ हैं। किस तरह से सावधानी बरतने के लिए आपको जानकारी? हमको बताया गया है कि जो पहले हम लोग करते थे, हाथ धोते थे, मास्क लगाते थे, वो सब आपको करते रहना है और अगली बार फिर 28 दिन बाद फिर आपको दूसरा डोज लगेगा कोविड का, उसे ज़रूर आप लोग लगाइए आकर। मेरा नाम इंद्रदेव सिंह है, मैं प्रधान सहायक हूँ मुख्य सरकारी कार्यालय गोरखपुर में। आज हमें कोविशील्ड का टीका लगा है, ये बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, बहुत अच्छा हमारे लिए है। हमको तो कोरोना हो चुका है और मैं इसकी भयावहता देख चुका हूँ और ये इसका बचाव ही बहुत बड़ा उपाय है, इससे बड़ा कोई बचाव नहीं है आज के डेट में। सबको चाहिए कि इंजेक्शन लगवाएं कोविशील्ड का और अपने को सुरक्षित रखें। सर, इस टीका को लेके जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं आम जनमानस में, इसको भी आप क्या कहना चाहेंगे? टोटल गलत है, सबको टीका लगवाना चाहिए, टीका लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, टीका लगवाना ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये बहुत बड़ी महामारी है पूरी दुनिया के लिए, भारतवर्ष में जिस तरह से टीकाकरण किया जा रहा है, जितना आसानी से किया जा रहा है, ये बहुत ही बेहतर है। आपको टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत आसानी से टीका लगा और बहुत अच्छे से टीका लगवाने वालों ने टीका लगाया है। मेरा नाम डॉक्टर AK चौधरी है, मैं यहाँ एडिशनल CMO हूँ डॉक्टर भवन देखता हूँ। अभी मुझको 15 मिनट पहले कोविशील्ड लगी है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। इस टीकाकरण को लेकर समाज में तमाम भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है? भ्रांतियाँ तो फैलाने वाले लोग फैला रहे हैं, बट ये उनकी गलतफहमी जो लोग भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं और ये टीकाकरण बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही सुरक्षित है। मैंने खुद भी अभी टीका लगवाया ही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं KN बर्नवाल CMO ऑफिस जिला स्वास्थ्य शिक्षा और सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मेरा शेड्यूल आ गया है और सीरम कंपनी का कोविशील्ड जो है आज हमें टीका लगा है, आज हमने लगवाया है, पूर्ण विश्वास है। और जैसा कि इसका लिटरेचर मैंने पढ़ा है, ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है, कोई डरने की नहीं ज़रूरत है, कोई भय नहीं है, हम लोग जो है निश्चिंत होकर के इसको लगवाए हैं, शुरुआत हो गई है। जिसका भी नंबर आ जाए, सभी के लिए संदेश है कि ज़रूर जो है ये टीका लगवाएं। डॉक्टर संतोष कुमार, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, MCH विंग 100 सैया बेड में शील्ड का लगा हुआ। कितना देर होगा टीकाकरण? 20-25 मिनट्स हो चुके हैं। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
ये समाज में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं टीकाकरण को लेकर, तो क्या इस संबंध में क्या कहना? बेवजह है, लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार जो कह रही है उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। खुद से लोगों को जागरूक होकर ये टीके लगवाने चाहिए। आपका मानना है कि ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। आज हमें कोरोना 19 वैक्सीन पहला डोज लगाया गया है और सुबह 10 बजे बसंतपुर न्यू PSC पर, अर्बन PSC पर लगाया गया और मैं बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगे हुए 10 बजे लगा था, मुझे लगे हुए 1-4 घंटे हो गए, बिल्कुल ही महसूस था। तो कौन सी वैक्सीन लगाई गई है? मुझे कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। सर, तो ये जो भ्रांतियाँ अभी भी लोगों के मन में है, इसको लेके क्या था? नहीं, बिल्कुल ये भ्रांतियाँ इसको मन से निकाल दें सब लोग। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और जब नंबर आए तो जरूर लगवाएं वैक्सीन। सर, जिले में कितने बूथों पर कितने लोगों को आज वैक्सीन लगना है? अभी हमारे पूरे ज़िले में 41 बूथ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, और जिसमें हर बूथ पर 100-100 लोगों को लगाया जा रहा है वैक्सीन और सब लोग लगवा रहे हैं और शाम तक देखते हैं क्या होता है। सर, अभी तक मतलब किसी बूथ से कोई इस तरह की सूचना आई कि उनको टीका लगाने के बाद किसी तरह की दिक्कत महसूस हो? नहीं, अभी कहीं से भी कोई सूचना नहीं आई है और सब जगह ठीक है लोग। इस दौरान कुछ एहतियात बरतने की भी वहाँ सलाह दी जा रही है? हाँ, जैसे कोरोना पीरियड में जो भी एहतियात बरते जा रहे थे, मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, भीड़ भाड़ में ना जाना, ये सब अभी भी एहतियात बरतना है जब तक कि एंटीबॉडी डेवलप ना हो जाती। सर, अगला टीकाकरण किस डेट को निर्धारित किया है? अगला हमारा टीकाकरण जो 19 फरवरी को रखा गया है, 1 महीना पूरा हो जाएगा, 19 फरवरी को आएगा। सर, जिनका 16 जनवरी को टीकाकरण किया गया था और जिनका आज टीकाकरण किया जा रहा है, इन लोगों की दूसरी जो बूस्टर डोज है वो कब दी जाएगी? वही 16 जनवरी वालों का बूस्टर डोज 15 फरवरी को दिया जाएगा और हमारा जो है 19 जनवरी को दिया जाएगा, फरवरी को दिया जाएगा। सभी लोग अपने समय का इंतज़ार करें, जब भी उनको जहाँ भी जिस बूथ पर बुलाया जाता है, जिस समय बुलाया जाता है, सब लोग पहुँचें और अपना टीकाकरण कराएं।